चलो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू, एमीन यानी हम लोग काम करेंगे NH3 के साथ, और NH3 के साथ हम लोग काम करके उस तरह से हम लोग क्या क्या बनाएंगे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का निर्माण करेंगे। तो चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विथ NH3, और यहाँ से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का निर्माण करने वाले हैं। रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ NH3, NH3 यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, काम हो जाएगा। तो जब हम लोग अल्कोहल को अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ Al2O3 के उपस्थिति में, Al2O3 के उपस्थिति में 633 केल्विन ताप पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है बाबू, यहाँ से हाइड्रोजन टूटता है और क्या मिलेगा, NH2+H, A+ A-, A+ A-। अब प्लस है तो किसके साथ, माइनस, माइनस है तो किसके साथ, प्लस। तो क्या मिलने वाला है बाबू, Rn(NH2+) यहां से HOS के साथ क्या मिलेगा, NH2 और प्लस में H2O। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमको एमीन मिल रहा है, ये एमीन कितना मिल रहा है, 1 डिग्री एमीन मिल रहा है। कौन सा एमीन मिल रहा है, 1 डिग्री एमीन। आप इसके पे एग्जाम्पल रख के काम कर सकते हैं। अगर हम इसी 1 डिग्री एमीन को फिर से अगर हम लोग अल्कोहल के साथ काम में लाते हैं, ठीक है, फिर से अगर हम लोग इसे इसके साथ रिएक्ट में लाते हैं, हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 2 R है तो एक को हम अलग कर देते हैं, एक को R, तो एक को R-। Al2O3 के प्रेजेंट में फिर से हम लोग रिएक्ट करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, क्या मिलेगा बाबू, NH और H। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं A-, तो A आपको पूरा के पूरा गुण इस पे डिपेंड करेगा, तो A हमारा माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन टूटने वाला है, A हमारा प्लस, माइनस, फिर से अब काम करिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, NH2। तो NH2 के साथ R भी तो है, यानी हमें क्या मिलने वाला है, R, NH और हमें मिलेगा R-। प्लस यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, वहाँ हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा वो, H2O। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको NH मिल रहा है, एक कौन सा एमीन है, तो ए एमीन हमें 2 डिग्री एमीन मिल रहा है। तो इस कंडीशन से आप 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर से अगर हम इसी एमीन को बाबू, इस एमीन को, इस सॉरी इस 2 डिग्री एमीन को अगर फिर से हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, जब हम लोग ROH को NH R यानी 2 डिग्री एमीन के साथ Al2O3 के प्रेजेंट में उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो फिर से वही काम, यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा, तो A+ A-, A+ और A-, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, और इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी क्या बनने वाला है बाबू, Rn R। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, हमको 3 R मिल रहा है, तो एक को R-, तो एक को हम लोग R" कर दे रहे हैं, ठीक है, एक को हम लोग R"। तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है बाबू, R-R" और R"। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एमीन मिल रहा है, ये एमीन कौन सा मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर हम लोग एक R को ले लेते हैं, एक R- को ले लेते हैं, एक R" को ले लेते हैं, तो ये हमको क्या मिल गया बाबू, ये मिल गया हमको 3 डिग्री एमीन प्लस H2O। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से 1 डिग्री एमीन बनाए, यहाँ से 2 डिग्री एमीन बनाए और यहाँ से 3 डिग्री एमीन बनाए। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, वी हाइड्रोजनीकरण करेंगे, और वी हाइड्रोजनीकरण करके हम लोग क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो चलो जल्दी से नोट कर लिया, अगला रिएक्शन है हमारा डिहाइड्रोजेनेशन, डिहाइड्रोजेनेशन।
डिहाइड्रोजेनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू डिहाइड्रोजेनेशन मेथड, जिसको हम लोग कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, यानी यहां से हाइड्रोजन क्या होगा टूटेगा, विहाइड्रोजनीकरण विधि। बहुत ही आसान सा ये भी रिएक्शन है, आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे और काम भी करेंगे इस पे। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अल्कोहल का विहाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन को तोड़ते हैं। तो जब हम लोग अल्कोहल को क्या करेंगे बाबू, विहाइड्रोजनेशन करेंगे, और विहाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंट में होता है, तो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, तप्त कॉपर चूर्ण। जब हम लोग अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में जब हम लोग तप्त कॉपर चून, यानी गर्म कॉपर चून जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, उस कॉपर चून को डालते हैं तो एक क्या करता है, एल्डिहाइड में बदल देता है। तो कितना केल्विन ताप, तो 575 केल्विन ताप पर जब हम लोग कॉपर के चून को हीट करके इस अल्कोहल में डालते हैं तो हमको क्या होता है बाबू, यहाँ से हाइड्रोजन टूटता है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा तो क्या हमको मिलेगा, CH और H। अब एक चीज क्या है बाबू, प्लस है, ये हमारा क्या है, प्लस है, और यहाँ पर अब ध्यान से देखना तो ए प्लस है और ओ क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर हमको एक क्या मिल रहा है बाबू, यहाँ से जब ये टूटने वाला है तो उस कंडीशन में ए प्लस आपको दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है बाबू, ए भी हमारा प्लस दिख रहा है। तो इस कंडीशन में ए प्लस आपको यहाँ से ऑक्सीजन को अपने साथ खींचेगा तो क्या बन जाएगा, आर सी एच और साथ में O, यानी आर सी एच ओ। अब यहां से हाइड्रोजन प्लस और यहां से भी हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन संयोग करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होगा, मुक्त होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इस 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनेशन किए या विहाइड्रोजनीकरण किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ बाबू, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। आप चाहें तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आप इसका आर का वैल्यू रखकर CH3 या कुछ भी आप रखकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग इसी का 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैं आर सी एच आर ओ एच, ठीक है, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम इस 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनेशन करते हैं तो जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में तप्त कॉपर चूर्ण को डालेंगे 575 केल्विन ताप पर जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा बाबू, फिर से यहां से आपका हाइड्रोजन टूट जाएगा, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन टूट जाएगा और यहां से भी हाइड्रोजन टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन की प्रक्रिया टूटेगा तो यहां से भी हाइड्रोजन टूटेगा, यहां से भी हाइड्रोजन टूटेगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन टूटेगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन टूटेगा, तो हमको मिलेगा क्या, तो हमको यहाँ पर देख लो बाबू R C और यहाँ पर भी क्या है R और यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है बाबू O, यानी हम अगर इसको डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे, तो R O है, यहाँ पर R है, यानी O कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इस कंडीशन में ए द्विबंधन बनाएगा, तो R C डबल बॉन्ड O और R, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको R दो मिल रहा था तो एक को R, तो एक को R डबल डैश, तो यहाँ भी एक R तो एक R, एक R तो एक R डैश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा है बाबू कीटोन, क्या प्राप्त हो रहा है कीटोन, यानी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा बाबू कीटोन, और प्लस में यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे जबकि 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग कीटोन बनाएंगे। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल में विहाइड्रोजेनेशन का प्रक्रिया नहीं होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इस कंडीशन में वो किसी भी तरह का क्रियात्मक समूह नहीं बनाता है, वो एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, वो एल्कीन बनाता है।
तो उसका ज़रूरत हम लोग को यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। ये प्रक्रिया हम लोग जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें भी देखे थे। एक छोटा सा और हम लोग का रिएक्शन है, छोटा सा रिएक्शन, चलो लास्ट हम लोग देख लेंगे। तो लास्ट क्या है बाबू कि जब हम लोग अल्कोहल को हीट करते हैं, जब हम लोग अल्कोहल को हीट करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है बाबू, वहां से उसके परमाणु टूटने लगते हैं और टूटकर उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे में हमारे पास एक एग्जांपल छोटा सा है, समझिएगा इसको ध्यान से, CH3CH2OH। जब हम लोग इस अल्कोहल को, और एक काम 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हो रहा है, जब हम लोग इस अल्कोहल को क्या करेंगे बाबू, हीट करेंगे और एक काम किसके प्रेजेंट में होगा बाबू, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में। तो जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से बहुत ही तेजी से अपचयित होता है, यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा तो किस कंडीशन में होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है बाबू, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो उस कंडीशन में जब ये प्रहार करेगा, हीट करेगा, तो उस कार्बन से हाइड्रोजन टूटते हैं जिसके पास ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन टूटता हुआ देख सकते हैं, तो क्या मिलेगा बाबू, CH2 और एच के प्रेजेंट में मिलेगा, एच के रूप में मिलेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या होगा, टूट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, CH2, और इधर भी क्या मिल रहा बाबू, CH2। तो क्या CH2 सिंगल बॉन्ड होंगे, नहीं, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो, कार्बन को कितना चाहिए, चार चाहिए, दो यहाँ पर रहेगा, चार, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, यानी क्या निर्माण हो रहा है, एल्किन निर्माण हो रहा है। तो जब इस कंडीशन में हम लोग सामान्य अल्कोहल को हीट करते हैं अत्यधिक ताप पर H2SO4 के प्रेजेंट में, तो उस कंडीशन में यहां से हाइड्रोजन, यानी उस कार्बन से हाइड्रोजन टूटता है जिसके पास प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा तो एल्किन बनेगा, और प्लस में हाइड्रोजन यहाँ से टूटा, OH है माइनस, तो क्या बन जाएगा बाबू, H2O। तो ये हमारा बन गया एल्किन। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल से एल्किन भी बना सकते हैं। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम है इथेनॉल, और इसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसका नाम है इथीन, इथीन या इथिलीन, ठीक है। तो ये था हमारा 8 रिएक्शन। 8 रिएक्शन आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आप यहाँ पर हर एक बात को समझे होंगे अगर ध्यान से कवर किए होंगे। तो आज हम लोग देखें बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए सीख गए, अल्कोहल का भौतिक गुण सीख लिए, अल्कोहल का रासायनिक गुण सीख लिए। तो इस कंडीशन से हम अल्कोहल के बारे में लगभग बहुत सारे बात को जान गए, बहुत सारे रिएक्शन को जान गए। इससे रिलेटेड जो भी कन्वर्जन आएंगे अब शायद कर लेंगे, क्योंकि हमने प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाया आपको, केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाया आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया कि इसका नेचर कैसा होता है, वास्तविक नेचर कैसा होता है, हमने बताया कि किसी के साथ मिलेगा तो कैसा बनाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं बाबू अल्कोहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे में हमारा इथेनॉल है, जैसे में हमारा मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल कैसे बनता है, क्या उपयोग है, क्या काम करता है, इसका गुण क्या होता है, सारा बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और उसके बाद का क्लास हम लोग का फिनॉल शुरू होगा, और आपको कन्वर्जन का एक क्लास अलग से मिल जाएगा। तो जो भी पहले सबसे पहले ए पहला क्लास पहला चैप्टर का PDF नहीं लिए हैं, वो PDF के लिए संपर्क करें, उनको फ्री में PDF दिया जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके बाद आपको दो तीन दिन बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, NCERT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे मिल जाएंगे। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।